हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आई हूँ टैन रिमूविंग के लिए एक फेस मास्क, जो कि बहुत इफेक्टिव है, मेरी स्किन पे बहुत सूट करता है एंड मेरी स्किन ऑयली है इसलिए मुझे बस यही सूट करता है। तो मैंने देख लो पहले से क्या लगा के रखा है फेस पे, ये देखो ये मैंने घोल के रखी है मुल्तानी मिट्टी इतने बड़े डब्बे में, क्योंकि मुझे बस यही सूट करती है। सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज मैं लेके आई हूँ टैन रिमूविंग के लिए एक नंबर मास्क, जो कि मैं हमेशा अप्लाई करती हूँ। एक्चुअली मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, आपको स्किन के लिए इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। ये देखो मैंने कितनी सारी मुल्तानी मिट्टी इतने बड़े डब्बे में घोल के रखी है, क्योंकि मुझे बस यही सूट करती है। तो मैं अपने फेस पे हमेशा इसी को अप्लाई करती हूँ। यदि आपकी भी स्किन ऑयली है एंड आपको बहुत जल्दी टैनिंग हो जाती है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो अपने फेस पे। ये देखो मैं पोत की बेटी हूँ। देखो मुल्तानी मिट्टी को लगाने के बहुत से तरीके आपने यूट्यूब पे देखे होंगे। इसमें सबसे पहले तो मैं बस एलोवेरा जेल मिलाऊंगी, ये देख सकते हो आप। तो मैंने इस तरीके से एलोवेरा जेल मिला लिया है, इसको मैं अब अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो एलोवेरा भी मुझे सूट करता है, बट मैं जेल ही अप्लाई करती हूँ ज़्यादातर। तो आप लोग इस तरीके से ये एलोवेरा जेल ले सकते हो, मुझे ये अच्छा लगता है। एंड यदि फेस के लिए ये वाला भी अप्लाई कर सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा है। देखो खाली है, मैंने पूरा इस्तेमाल कर लिया इसको। तो ये भी आप लोग लगा सकते हो आपकी इच्छा। तो सबसे पहले मैं तो पूरे में पोत के ही बैठ जाऊंगी ताकि मैं बता पाऊँ कि हाँ सच में लगाती हूँ। बहुत ही अच्छा मास्क है टैनिंग के लिए। एक्चुअली मैं ना काफ़ी चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ मेरे फेस पर मुझे ये सूट करा। लिटरली इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं मेरे लिए। ये तो अमृत है, अमृत। इतनी गोरी हो गई मैं, काली थी यार, रिमूव करना है, सॉरी। गले में खराश है जरा सी, पता नहीं क्यों हो जाती है मुझे। लोग बालों में भी, खैर बालों में भी लगा सकते हैं, इससे बाल सिल्की हो जाते हैं। तो मेरे बाल तो ऑलरेडी रफ हैं, कहीं भी लगा लो इससे ये कोई नुकसान नहीं करने वाली। यदि ज़्यादा भी पोत लोगे आप, है ना, मिट्टी है क्योंकि एक प्रकार से मानव का शरीर वैसे भी मिट्टी से मिलकर बना है। बाद में इसको ऑन कर दूंगी सुखाने के लिए। सूखने के बाद ही इसको निकालना सही रहता है। सो देख सकते हो मैं कैसे पोत रही हूँ पूरे में। नहीं अच्छा ही है, काफी अच्छी चीज है।